सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे सुबह के 9। आज है हमारा डे 3 और वी आर लीविंग फॉर अथीरापल्ली। अथीरापल्ली और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम रेडी हो गए और अब हम मैडम को थोड़ा सा शूट करने जा रहे हैं यहाँ पर भी, और ड्राइवर भैया ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे। और लोकेशन बहुत सुंदर है, ये होटल का नाम है किधर गया, हाँ हमसे बोला ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या लिखा है, रंडे व्यूज। क्या बोला तूने? जियोस जंगल रिजॉर्ट, तो गूगल कर लेना अगर किसी को आना होगा तो। और ओवरऑल जो होटल था, सर्विस ओके ओके, बट लोकेशन इज A1। हाँ लोकेशन इज A1, समझ लेना कि नेचर में आ रहे हो, वाईफाई नहीं मिलेगा, नेटवर्क नहीं मिलेगा। सिर्फ इसके अंदर घुसते ही फ़ोन के नेटवर्क बंद, सिंगल एक पॉइंट नहीं आएगा, और वाईफाई है बट नॉट इवन सिंगल कॉल। वाईफाई की स्पीड है 2 Mbps, तो समझ लो कैसे गुजारा हुआ आपका। और अब निकलते हैं यहाँ से। ओवरऑल बहुत अच्छा था सब कुछ, बात करने में बहुत अच्छे हैं लोग यहाँ पे। हाँ पहले दिन दिक्कत हुई ना ब्रेकफास्ट में, जिंदगी में पहली बार खाई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बंदा, एक मिनट कैसे मिक्स करूं, फुल मसाला नहीं कि चिकन पीस के साथ दही खा रहा है। फाइनली 3-4 घंटे बाद लंच के लिए रुके हैं, और ये 4 घंटे तक भूखी रही, ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। You break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it, but I like it. Why, baby, do you look so pretty in your smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, अच्छे व्यू में तो आ जाती। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हैं हम जस्ट ब्रेकफास्ट करने, और लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनसेन लिटरली सामने वाटरफॉल है, इट्स लुकिंग रियली लिटरली। और 5 दिन में सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट होगा हमारा अभी तक का, बहुत सारे ऑप्शन थे खाने के लिए इसलिए, और व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है।
सो नाउ वी आर रेडी एंड वी आर लीविंग फॉर द वाटरफॉल्स. चलो दिखाती हूँ. वैसे कल से ज़्यादा बेटर हो गया क्योंकि कल रात को शायद बारिश हुई है. तो वी आर गोइंग देयर. ओके सो दिस इज द टिकट काउंटर और दो बंदों की टिकट अप्रॉक्स 50 rupees पर ईच है. 100+ व्हीकल का चार्ज लगता है. यहाँ पे हैवी व्हीकल हो या मीडियम व्हीकल हो, टू व्हीलर हो, सबका अलग अलग चार्ज है. और अप्रॉक्स फाउंटेन से 500 मीटर्स पहले टिकट काउंटर है. तो जब भी जाओ तो टिकट पहले ले लेना वरना उधर एंट्री नहीं होगी. लेट्स गो. तेरी टिकट नहीं मिली मेरे को, बोल रहे हल्के बंदों की टिकट नहीं है. सो दिस इज द एंट्री गेट. मैडम थैंक यू. तो 11:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले, 11:45 हो रहे हैं और सिर्फ फोटोज के अंदर ही पूरे कपड़े गीले हो गए हैं. हाँ लिटरली बहुत अच्छा मोमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. लास्ट टाइम मनाली में कौन से वाटरफॉल पे गए थे? जोगनी वाटरफॉल की ट्रैकिंग करी थी. 1% भी नहीं है बट ये ट्रैकिंग नहीं है, बट दिस इज टू गुड. बहुत वर्थ इट है. वहाँ पे भी और भी है और आगे भी है, बट हमारे पास कपड़े नहीं है. ऑलमोस्ट पूरा गीले हो चुके हैं और कैमरा बैग वगैरह भी है साथ में, तो कोई है नहीं कि जो ध्यान रख सके और हम आगे जा सके, इसलिए हम जा नहीं पा रहे आगे. और सही है, अब यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं. अब नेक्स्ट कहाँ जाना है हमने? हम जा रहे हैं वाघमन. वाघमन जाना, 3 घंटे का रास्ता है. 3.5 घंटे का रास्ता है. इट्स ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर अप्रॉक्स. तो फिर यहाँ से निकलते हैं और आगे देखते हैं. ओके बाय. तो अब हम जा रहे हैं वाघमन. ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास रह गया है और बीच में लंच के लिए रुके हैं. और मेरा तो दम निकल चुका है, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे अभी थोड़ी गर्मी है, अगर वेदर अच्छा होगा ना तो भी मजा आएगा. तो नेचर है वहाँ पे, जगह पॉइंट वगैरह तो नहीं है. आई वांट टू सी वन सनसेट पॉइंट, बट उसके लिए भी ट्रैकिंग है. तो फिर लेट्स सी हाउ इट गोस. होटल अच्छा है वहाँ का भी. चलो अब देखते हैं क्या इधर है. यहाँ से सिर्फ लंच करते हैं और फिर चलते हैं आगे. फिर
straight on the plane. We were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world. Riding on the road into the unknown, all on our own, until we settle down, warming our heart, finding new bones. 10-15 किलोमीटर रह गए वॉकमन पहुंचने के लिए, और रास्ते में रुके हैं वो खड़े भैया, और लिटरली यही देखने आए थे यहाँ पर। हाँ, ये बादल देखने आए थे अपने पास। इवन अभी रोड पे जब हम आए थे तो एक्चुअली रोड दिख रही थी, बट अब रोड विजिबिलिटी भी खत्म हो रही है ऑलमोस्ट। इट्स नॉट फॉग, बादल हैं ये। चलो 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 चलो, लेट्स गो। अभी 10 मिनट यहाँ खड़ा रहा तो गाड़ी दिखनी भी बंद हो जाएगी। दिखनी बंद हो जाएगी। रूम बाथरूम, ओके ओके, और बट एक चीज बहुत गंदी लगी, रूम में व्यू नहीं है कुछ। एवरीवेयर टीन टीन टीन, पूरी रात ढोल ताशे बजेंगे इधर। जो देख रहे हो ये सब, वो है क्या बोलेंगे इसको, टी प्लांटेशन। मैंने भी तो टी बोला, टी प्लांटेशन। आई हर्ड ट्री। अब पूरी रात ढोल ताशे सुने ही हैं। हम कहाँ खीरा पिंडी से इसी में आए। लग्जरी होटल। लग्जरी होटल से सीधा थर्ड क्लास होटल। नॉट थर्ड क्लास, बट दिस रूम इज थर्ड क्लास। और इसमें जाना था, लेकिन आ गए इसमें। बट ठीक है, चलो फिर भी एक रात के लिए, आज के लिए, कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। कल कहाँ के लिए निकलना है? एलपी। ओके ओके अन्ना भाई साहब, होटल ऐसा लग रहा है जंगलों के बीच में बना है। बना तो जंगल के बीच में ही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थक गए हम भी। ओके बाय गाइस, टाटा। Close doors, I'ma fall for your love.